हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आज मैं ले आई हूँ कोलकाता फेमस बैगन पातूरी रेसिपी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं ले ली हूँ एक बड़ा साइज का बैगन, जिसको हम इस तरह से पतले पतले में कट कर लिए हैं। अब इसका मसाला देखेंगे। तो मसाला में इधर मैं 6 से 7 सूखी लाल मिर्च ली हूँ, 15 से 20 लहसुन की कलियाँ और इधर 2 चम्मच सरसों लिए हैं। इन सभी को हम पेस्ट बना लेंगे। तो इधर स्वाद अनुसार नमक लिए हैं, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 नींबू कटा हुआ और हमने जो मसाला लिए थे सभी को पेस्ट बना लिए हैं। साथ ही इसमें हम डाले हैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी मसाले को मिला देंगे और हमने जो नींबू लिए थे नींबू को निचोड़ देंगे अच्छी तरह से। अब ये जो बीज है इसमें 1-2 आ गई है तो इसे हम निकाल दिए हैं। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का ही तेल यूज कीजिए, जिससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा बैगन पातूरी में। हम तेल डालने के बाद इसे हम मिला देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मसाले को अच्छी तरह से मिला लीजिए। तो हम मिलाकर यहाँ तैयार कर लिए हैं। साथ ही हम बैगन को भी यहाँ रख लिए। अब हम लेंगे केला का पत्ता। केला का पत्ता को थोड़ा बिना कुछ डाले हुए गैस पर इसे सेक लीजिए, जिससे केला पत्ता मुलायम हो जाए। अब हम केला पत्ता के ऊपर में 2 चम्मच मसाला का जो हमने पेस्ट बनाए थे उसको हम लगा लेंगे। फिर 1 बैगन को लेंगे, बैगन को अच्छी तरह से मसाला में चिपका लेंगे। फिर उसके ऊपर 2 चम्मच मसाला डाल के उसे इस तरह से चारों तरफ से मसाला को फैला लेंगे, जिससे पूरे बैगन में मसाला लग जाए। यहाँ देखिए, नीचे मसाला लगकर पूरी तरह से तैयार हुआ है। फिर से हम 1 बैगन डाल दिए हैं। बैगन डालने के बाद फिर से वही प्रोसेस से हम इस पर मसाला डाल देंगे। जो नीचे का एक्स्ट्रा मसाला था उसको भी हम इस तरह से ऊपर ले लिए हैं। अब मसाला पूरी तरह से लग गया है। अब ये जो केले का पत्ता है वो जो फोल्ड करके इसको हम इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद आपके पास जो भी धागा हो उस धागा से अच्छी तरह से बांध दीजिए। तो हम यहाँ धागा से बांध कर तैयार कर लिए हैं। दूसरी तरफ गैस पे हम रखे हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डाले हैं 1 चम्मच सरसों का तेल। तेल को और कढ़ाई दोनों को थोड़ा सा गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद हमने जो पातूरी बना कर रखे थे वो पातूरी को इस पे डाल देंगे। लो फ्लेम पर इसे कुक करेंगे। तो 1 मिनट तक इसे हम नीचे की तरफ से कुक किए हैं। फिर इसे हम इस तरह से पलट दिए हैं। तो इसे उल्टा पलटा कर हम अच्छी तरह से पका लेंगे। तो ये पक गया है। सेम यही प्रोसेस हम एक और पातूरी को बना के रखे थे बैगन पातूरी को, उसको भी हम दे दिए हैं। दोनों को 1 मिनट तक हम और पकाए हैं। तो ये देखिए, दोनों पातूरी बनकर तैयार हो गया है। इसको आपको खोल के दिखाएंगे। तो थोड़ा इसे ठंडा होने दीजिए, फिर इसको खोल के दिखाते हैं। ठंडा होने के बाद इसको इस तरह से कट कर लेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, ये पातूरी बहुत ही अच्छा बनता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, इसे ट्राई करके एक बार जरूर देखिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये पातूरी बैगन कैसी लगी। तो ये देखिए, इस तरह से कितना मसालेदार पककर तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे आप गर्मा गर्म चावल के साथ इंजॉय कीजिए, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों अगर आपको ये मेरी बैगन पातूरी की रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट हमें ज़रूर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।